हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए, कुछ आज मैं तीन सामग्रियों से बहुत ही टेस्टी और यम्मी मिठाई बनाने वाली हूँ। आप लोग मन लगाइए मैं कौन सी मिठाई बनाऊँगी, आप लोग क्या नाम रखना इसका चाहेंगे। तो चलिए मैं इसे शुरू करती हूँ। रवा को एक कटोरी मैंने लिया, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और एक कटोरी के लगभग मैंने घी लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने चीनी को ग्राइंड कर लिया। इसी तरह इस वाली कटोरी से मैंने आधी कटोरी के लगभग चीनी ली थी जिसे मैं ग्राइंड कर ली हूँ। तो चलिए मैं इधर पैन गर्म कर चुकी हूँ, गैस ऑन करके पैन गर्म कर ले, उसमें घी डाल करके इसे हल्का गुनगुना होने दे, अधिक गर्म ना करे, नहीं तो रवा भुनना है, रवा जल जाएगा। इसमें रवा डाल करके आप इसे बराबर से भूनते रहें, इसको हमें गोल्डन नहीं करना है, धीरे धीरे इसे मिलाते हुए भूने, बराबर चलाते रहें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है और जल भी सकता है, तेज फ्लेम ना करें। 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इसे अच्छे से भूनने में, कच्चा ना रहे इसलिए इसे बराबर से चलाना ज़रूरी है। आप भी इसी प्रोसेस से चलाएं, इसे बहुत ही मेरी किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, इतना इसका टेस्ट और स्वाद बहुत ही यम्मी होता है। इधर मैंने ग्राइंड किया हुआ बूरा जो था उसे आप छन्नी की सहायता से, आटा चलने वाली छन्नी ले लें या चाय छनने वाली छन्नी ले लें और उससे आप इसका जो हल्का फुल्का ददरा हो वो निकाल ले। और आप देख सकते हैं इसमें आप इलायची क्रश करके डाल सकते हैं या पाउडर भी बना करके डाल सकते हैं। इलायची के फ्लेवर इस मिठाई में बहुत ही अच्छा और टेस्टी और यम्मी होता है। अगर आप लोग एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाने की इच्छा होगी। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में ये बन भी जाता है। बराबर आप इसे चलाते रहें, अच्छे से चलाएँ ताकि ये जले नहीं और चारों तरफ से अच्छे से ये भून भी जाए। अच्छे से रवा भुनेंगे तो इसकी टेस्ट भी बहुत ही यम्मी, बिल्कुल दुकान वाली मिठाई की तरह आपको लगेगी। तो आप इसे अच्छे से भूनते रहें, लगभग इसे अच्छे से भूनें और इसमें इसे बिल्कुल ठंडा होने दें। इसमें आप चाहें तो कलर, फूड कलर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है 2 चुटकी के लगभग। आप चाहें तो बिना फूड कलर का भी बना सकते हैं, अगर पसंद हो तो फूड कलर आप थोड़ा ऐड कर ले तो कलर बहुत ही अच्छा और पूरे बिल्कुल दुकान की तरह आपको ये मिठाई लगेगी और कलर भी बहुत ही प्यारा इसका आएगा। और आप देख सकते हैं मैंने गैस बंद कर दी है, इसे एक प्लेट में, बड़े प्लेट में लेकर के फैला करके इसे 10 मिनट के लिए रख दे ठंडी होने के लिए। ना आपको इसमें फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, ना माइक्रोवेव की, ना चाशनी की बनाने की झंझट। चाशनी में बहुत परेशानी होती है, कभी कभी ऐसा टाइट और गर्म मिठाइयाँ बन जाती है अगर अंदाज सही से ना लिया जाए तो। इधर पाउडर मैंने फाइन निकाल लिया है चीनी का, इसे बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप इसमें डाल करके इसे मिलाएं, नहीं तो पघिल जाएगा और अच्छे नहीं बन पाएंगी मिठाइयाँ, गीला गीला हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा टाइम लगता है बनाने में लेकिन बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है ये। अब इस तरह से आप बराबर से हाथों की सहायता से, स्पून की सहायता से, ना मिला नहीं तो कहीं मीठा, कहीं ज़्यादा मीठा, कहीं कम मीठा हो सकता है, इसलिए आप लोग इसे हाथों से ही मिलाएं, अच्छे से मिला ले। उसके बाद में इसे आप गोल गोल शेप दे और आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा ये, बिल्कुल दुकान की तरह कोई बोल नहीं सकता है कि ये रवा का लड्डू है, ये कितना प्यारा सा लड्डू है। आप लोग इसका क्या नाम रखना चाहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट, गेस एंड कमेंट में बताएं। मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ डाली है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं। मैंने बनाना बर्फी, लौकी की बर्फी, बहुत सारी मिठाइयाँ इस तरह की डाली है, पडिंग भी बहुत सारे डाले हैं जो आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर, अगर देख करके कोई नहीं बोल सकता कि ये घर पे बनाया हुआ है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और किस तरह का बना वो मुझसे शेयर करें। देखिए कितने सुंदर राउंड राउंड शेप में है, पूरे दुकान की तरह लग रहा है। आप दुकान की तरह ये बहुत ही अच्छा और यम्मी होता है, प्लीज़ आप लोग भी इसे ज़रूर अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। हैप्पी धनतेरस डे, थैंक यू।